साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, वी आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसा होता है जिसका कि आउटकम्स बोलते हैं, रिजल्ट्स, वो आपको पहले से निश्चित रूप से पता है कि यही होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराते हैं, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट जो आप लैब में करेंगे. अगर आपको उस पेंडुलम का लंबाई पता हो, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और जिस स्थान पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पता हो, जी का वैल्यू, तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितना उसका टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशन का, माइनस दी एरर्स. मतलब इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो एक सर्टेन क्वांटिटी, निश्चित रूप से वही जवाब आएगा. पर हर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सर्टेन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बात करें, एक कॉइन ले लें और उसको टॉस करें. आपको हम कहें कि एक्सपेरिमेंट कीजिए, इस एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट आए उसको हम आउटकम बोलते हैं, द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. वो एक कॉपी में नोट करते जाइएगा. आप कॉइन टॉस किए, मान लीजिए हेड्स आए, तो कॉपी में आप लिखे हेड्स अपीयर्ड, या आप सिर्फ कैपिटल एच लिखें. इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए, तभी ना आप जानेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो निश्चित है कि नहीं है. रिपीट कीजिए एक्सपेरिमेंट को, तो इस बार फिर हो सकता है एच आपका आउटकम हो. फिर एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए, एक्सपेरिमेंट का नाम है टॉसिंग अ कॉइन, और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आप लिख रहे हैं, तो कभी एच लिखिएगा, कभी टी लिखिएगा. अब एच का मतलब हम बोल दिए हैं, एच का मतलब है हेड्स अपीयर्स ऑन द कॉइन. और टी का बोलेंगे तो उसका मतलब समझना है कि अ टेल हैज अपीयर्ड. यानी इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पक्का नहीं है कि हेड जाएगा, या पक्का नहीं है कि टेल आएगा. हाँ, इन दोनों में से कुछ आएगा ये पक्का है, लेकिन इन दोनों में से क्या आएगा ये पक्का नहीं है. एक और एग्जांपल लेते हैं, एक डाई ले लेते हैं, सिक्स फेसेस वाला, जिसे लूडो खेलते हैं, डॉट्स बना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. उसको टॉस कीजिए और रिजल्ट को नोट कीजिएगा. इस एक्सपेरिमेंट का नाम है टॉसिंग अ फेयर डाई. फेयर का मतलब उसका सिक्स फेसेस अब इक्वली शेप्ड है. ऐसा नहीं है कि आप जब भी फेंकिए तो हमेशा एक पर्टिकुलर बेस है उसी पे जाके बैठ जाता, तब तो वो अनफेयर हो गया. तो एक फेयर डाई को अगर हम टॉस करें, यही एक्सपेरिमेंट है, और उसके आउटकम को नोट डाउन करते जाए, तो कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6. यानी इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम भी पक्का नहीं है. ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. यहाँ डिफाइन किए, किस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज नॉट सर्टेन को रैंडम बोले. आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो मान लीजिए कि उसका जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है उन सब का एक कलेक्शन बनाए, सेट. उस सेट को हम कहेंगे उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस. जैसे टॉसिंग अ फेयर कॉइन जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट का हम अगर कहें कि सैंपल स्पेस लिखिए, एक सेट लिखना है आपको. सैंपल स्पेस मतलब एक सेट, सेट मतलब कलेक्शन. तो आपको कैपिटल एस सिंबल से डिनोट करेंगे सैंपल स्पेस को. हर रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस होगा. तो टॉसिंग अ कॉइन एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होगा उसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, एच कॉमा टी, और बगल में लिख देंगे, हाँ, एच का मतलब मीन कर रहे हैं अ हेड टर्न्स अप, टी का मतलब मीन कर रहे हैं अ टेल टर्न्स अप, और कोई आउटकम होता नहीं है. तो सारा पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन को बोलते हैं उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस. अगर हम टॉसिंग अ फेयर डाई इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखने के लिए कहें, तो आप कैपिटल एस सिंबल से डिनोट करते हैं, और सेट में सारा पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट का, या तो एक आ सकता है, या दो, या तीन, या चार, या पांच, या छह. और वो बता देना होगा कि हाँ, आप जो एक लिख रहे हैं, आप कोई एक आउटकम को वहां रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट का कोई एक आउटकम. तो बताना होगा कि हाँ, वन का मतलब आप मीन कर रहे हैं डाई को टॉस करने पर वन अपीयर किया,
इतने बड़े स्टेटमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द सिंबल वन. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट और उसका सैंपल स्पेस. दो टाइट टॉस कीजिए, दैट इज द एक्सपेरिमेंट. जो आउटकम आए उसको कॉपी में नोट कीजिएगा. आपके हाथ में दो डाई है, दोनों टॉस की, एक पे आया टू, एक पे आया थ्री, तो आप यही लिखेंगे कॉपी में कि एक डाई पे अपीयर किया नंबर टू एंड दूसरे वाले डाई पे अपीयर किया नंबर थ्री. इतना बड़ा लिखने के बजाय हम लोग कोई छोटा सा उपाय सोच लेते हैं. टॉसिंग अ पेयर ऑफ डाई, एक जोड़ा, उसका सैंपल स्पेस लिख रहे हैं. हम सोचे हैं कि ऑर्डिनरी ब्रैकेट में 1,1 लिख देंगे, तो समझ जाइएगा कि हम मीन कर रहे हैं कि एक पे वन आया, दूसरे पे वन आया. ये एक आउटकम है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का. ऐसा सारा लिखना है, 1,2, 1,3, माने एक पे वन, एक पे थ्री, एक पे वन, एक पे फोर, डॉट डॉट डॉट, 1,6, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,6, डॉट डॉट डॉट, 6,1, 6,2, 6,3, डॉट डॉट डॉट, 6,6. इस एक्सपेरिमेंट का सारा पॉसिबल आउटकम्स यहां लिख दिए हैं. इन्हीं में से कोई एक होगा, ये पक्का है. इनमें से कौन होगा नहीं पक्का है. अभी हमारे हाथ में एक जोड़ा डाई है, हम उसको टॉस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, दैट आई डोंट नो. बट आई डेफिनेटली नो कि इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा. कुल कितना आउटकम्स है इस एक्सपेरिमेंट का संभव, वो 36 है. ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का कितना कुल आउटकम्स पॉसिबल है. जैसे हम इस एक्सपेरिमेंट का पूछेंगे द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो उसको आप ऐसे लिखते हैं, एन कैपिटल एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, ऐसे लिखते हैं. ये हम लोग का सेट का भाषा है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. इस एक्सपेरिमेंट का टोटल कितना आउटकम्स पॉसिबल है, ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो उस बात को हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वल टू 6. अब ये सब रियल नंबर्स हैं, ये सब रियल नंबर्स नहीं है, रियल नंबर्स नहीं है. ये एक एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम है जो हम इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं और पहले से डिफाइन कर दिए होंगे कि हम क्या मीन कर रहे हैं जब यहां 3 लिख रहे हैं. ये सब रियल नंबर्स है, लिख रहे हैं संख्या, लिख रहे हैं सभी पॉसिबल आउटकम्स का कुल संख्या. इस एक्सपेरिमेंट का हम पूछें कि कितना पॉसिबल आउटकम्स है, तो उसको ऐसे लिखेंगे और इक्वल टू 36. कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम डिफाइन करेंगे, एक स्टेटमेंट के रूप में डिफाइन करेंगे, जैसे ऐसे, आपको तुरंत आना चाहिए उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखने, और उससे भी महत्वपूर्ण कि उस सैंपल स्पेस में कुल कितना एलिमेंट्स है वो गिनती करने आना चाहिए. एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं. एक क्वाइन और एक डाई को टॉस कीजिए एक साथ, जो भी आउटकम आए कॉपी पे नोट करके हमको बताइए. कभी हो सकता है आप हमको रिपोर्ट करें T,1 या सिर्फ T1, माने आप कहना चाह रहे हैं कि ये क्वाइन पे टेल आया और डाई पे वन आया. दूसरा विकल्प T2, T3, T4, T5, T6 और H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हुआ, टॉसिंग अ क्वाइन एंड अ डाई सैंपल स्पेस. कुछ H1, H2, कोई एक तरीका अपने से सोचना होगा कि आउटकम को कैसे हम रिप्रेजेंट करें. H1 से लेकर के H6 तक और T1 से लेकर के T6 तक. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उसका संख्या
इनफाइनाइटली लार्ज भी हो सकता है। जैसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट है जिसका कि आउटकम कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, मान लीजिए ऐसा कोई एक एक्सपेरिमेंट हम डिफाइन करें, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस आप लिखेंगे 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, अब आप नहीं लिख पाएंगे, उसके सारे एलिमेंट्स को नहीं लिख पाएंगे। और इस एक्सपेरिमेंट में कितना नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं इसका जवाब भी आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल है। अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट होता जिसका आउटकम कोई नेचुरल नंबर आता लेकिन 5 से लेकर 80 के बीच में, तो उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस आप लिख पाते 5, 6, 7, 80 तक, इंक्लूडिंग 80 है तो 80 लिखेंगे, और नहीं कहते कि 80 से कम तो 79 पर रुक जाते। अगर कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका कि आउटकम कोई एक रियल नंबर आ जाता है लाइंग बिटवीन 2 to 5, अब उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? रियल नंबर लाइन पे 2 से लेकर 0 है, 5 के बीच का कोई नंबर आ जाता है एक्सक्लूडिंग 2 and 5। मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, आप उसमें इनपुट डालें और जो आउटपुट आएगा हमको बताइएगा, दैट इज योर एक्सपेरिमेंट। में एक फंक्शन है x², आपको हम एक्सपेरिमेंट दिए हैं करने के लिए कि आप इसमें इनपुट डालिए -1 से लेकर +1 के बीच में, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। बारी बारी से इनपुट डालते जाइए, आउटपुट का जो कलेक्शन होगा बताइएगा। नाउ आउटपुट इज नॉट सर्टेन, चाहे जिस कारण से भी सर्टेन नहीं हो, क्योंकि इनपुट सर्टेन नहीं है इसलिए आउटपुट सर्टेन नहीं है, इनपुट सर्टेन होता तो आउटपुट भी सर्टेन होता। बट आपके एक्सपेरिमेंट में तो हम आपको कहे हैं कि इतना से इतना के बीच में इनपुट डालते जाइए, आउटपुट हमको बताइएगा। अगर ये कॉन्स्टेंट फंक्शन होता तब आउटपुट सर्टेन होता, कोई इनपुट डालिए आउटपुट हमेशा 5। लेकिन अगर ये फंक्शन है, इनपुट पे निर्भर करता है इसका वैल्यू, तो आउटपुट भी अनसर्टेन होगा, पर उसका जो आउटकम है वो कितना से कितना के बीच में लाई करेगा, वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। अगर आप -1 से लेकर 1 के बीच का नंबर इस फंक्शन में डालते हैं तो ये रिटर्न करेगा नंबर 0 included 1 excluded, इतना से इतना के बीच में, यही कहलाएगा इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस पे पूछें तो इसका मतलब हम आपसे जानना चाहते हैं दैट कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, यानी एक सेट जवाब में देना है। सैंपल स्पेस इज अ सेट, तो हम सेट के बारे में आपको याद दिला रहे हैं कि जब आप सेट लिखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है सेट कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो संख्या इन्फाइनाइट हो। इसमें भी दो तरह का पॉसिबिलिटी है, सैंपल स्पेस ऐसा लिखा हो और सैंपल स्पेस ऐसा लिखा हो कि आउटपुट 0 से 1 के बीच में आया। अब यहां पे हम दो ही संख्या लिखे हैं लेकिन एक्चुअली में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा दो नंबर को 0 और 1, तो उसका मतलब है कि उसमें दो ही एलिमेंट लिख रहे हैं। लेकिन अगर ऑर्डिनरी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं हम, तो हम कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 0 या 0 से बड़ा परंतु 1 से छोटा, सारा रियल नंबर्स इस सेट में लिखा है। इस तरह के सेट को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सेट, जिसमें एलिमेंट सब अलग अलग है। इस तरह के सेट को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप गिनती कर सके तो उसको फाइनाइट बोलते हैं, और अगर नहीं गिनती कर सके तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। एक कॉन्टिन्यूअस सेट तो हमेशा इनफाइनाइट होता है, जिस सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स के संख्या को आप गिन करके नहीं बता सके कि कितना है, वैसे सेट को हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट। हाँ, तो अगर हम नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये कुछ रियल नंबर्स का एक सबसेट है,
तो ये भी इन्फाइनाइट सेट कहेंगे और ये भी इन्फाइनाइट, क्योंकि इसमें भी आप गिनती नहीं कर सकते, इसमें भी गिनती नहीं कर सकते हैं, परंतु हम लोग उन दोनों इन्फाइनाइट सेट्स को भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। इसको बोलते हैं काउंटेबली इन्फाइनाइट और उसको बोलते हैं अनकाउंटेबली इन्फाइनाइट। बस एक नाम है, काउंटेबली इन्फाइनाइट, और ऐसे सेट को बोलेंगे अनकाउंटेबली काउंटेबल, मैंने जिसको गिनती कर सके, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिनती ना कर सके। तो ऐसा एक भ्रम जैसा है, काउंटेबली का मतलब लग रहा है कि जिसको काउंट कर सकते हैं, यानी मतलब जिसको बोल सकते हैं, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, इसमें तो बोल भी नहीं सकते हैं, आप बोल ही नहीं पाएगा सारे एलिमेंट्स को, 0.5 बोलिएगा, फिर 0.6 बोलिएगा, तो 0.5 और 0.6 के बीच में जो अनगिनत एलिमेंट्स है वो कहाँ बोल पाइएगा। तो हम लोग ऐसे सेट को बोलेंगे अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट है। तो एक डिस्क्रीट सेट जब इनफाइनाइट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, और एक कॉन्टिन्यूअस सेट जब इनफाइनाइट होता है, वो तो इनफाइनाइट होना ही है कॉन्टिन्यूअस, उसको हम लोग अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बोलते हैं। ये सब शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे। एक सैंपल स्पेस किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का हम लिख रहे हैं। सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लोग लेते हैं टॉसिंग अ डाई, वन सिंगल डाई टॉस किए, उसका सैंपल स्पेस सारा पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए। अब हम एक क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहे हैं इवेंट। किसी भी सैंपल स्पेस का जो सबसेट है उसको बोलते हैं इवेंट, यानी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम्स का जो कलेक्शन है उसको इवेंट बोलते हैं। देखिए अंतर देखिए, सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हम कोई इवेंट डिफाइन करेंगे सवाल पूछने के लिए। इवेंट जब डिफाइन करेंगे हम शब्दों में डिफाइन करेंगे, इवेंट हमेशा एक सेट होगा ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। जैसे हम एक्सपेरिमेंट डिफाइन किए टॉसिंग अ डाई, आप उसका सैंपल स्पेस लिखिए, और हम एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं एंड इवन नंबर टर्न्स अप, हम एक इवेंट डिफाइन करेंगे शब्दों में डिफाइन करेंगे, उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, और जब एक्चुअली में आप उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जैसे हम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन किए थे शब्दों में टॉसिंग अ डाई, और आपसे कहे कि उसका सेट क्रिएट कर दीजिए, तो इस तरह से जब हम डिफाइन किए तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, यानी आप इससे सेट को बिल्ड कर लीजिए, और जब वाकई में आप उसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं तो अब हम कहते हैं कि आप सेट को लिख दिए हैं इन रोस्टर फॉर्म। तो हम हमेशा सेट को डिफाइन करेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, और आप हमेशा उसको अपने रोस्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें। जैसे हम इस एक्सपेरिमेंट में डिफाइन कर रहे हैं इवेंट का नाम रखे हैं ए, एन इवन नंबर टर्न्स अप, आप उसका मतलब समझ गए कि हम इन आउटकम्स का बात कर रहे हैं, दो का आना, चार का आना या छह का आना, दो का आना या चार का आना या छह का अपियर होना, इसको हम नाम दे रहे हैं इवेंट ए। एक और इवेंट डिफाइन कर रहे हैं बी, हम हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करेंगे, एन ऑड नंबर टर्न्स अप, आप तुरंत उस सेट बी को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, वन या थ्री या फाइव। आपको एक्सपेरिमेंट किए, इस डाई को टॉस किए, अगर टू आता है या अगर फोर आता है या अगर सिक्स आता है तो आप हमको रिपोर्ट करेंगे कि इवेंट ए हैज अकर्ड।
यानी इवेंट ए कब बोलेंगे आपकी हुआ है, जब कोई इवन नंबर अपियर करेगा। ये सारा जो आउटकम्स है, दीज आउटकम्स आर कॉल्ड आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए, इनको बोलते हैं आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए, इन्हीं को आप यहां लिखते हैं। और जब इवेंट बी का सेट क्रिएट कर रहे थे तो उस सेट में कौन कौन एलिमेंट्स लिखेंगे, आप उन्हीं आउटकम्स को लिखेंगे दोज विच आर फेवरेबल टू इवेंट बी। इवेंट बी हम डिफाइन कर दिए, तो अब आप इवेंट बी को जब रोस्टर फॉर्म में लिख रहे होंगे सेट के शक्ल में, तो कौन कौन आउटकम्स को यहां पे लिखेंगे, आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट बी को यहां लिखेंगे। और कब कहेंगे कि इवेंट ए हैज अकर्ड, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको बोलना है कि अभी इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया, अगर वो पूछे कि क्या आउटकम आया, तब तो इन्हीं में से कोई एक संख्या बोलेंगे। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इवेंट ए अकर किया है या नहीं अकर किया है, तो अगर इवेंट ए के फेवरेबल जितना भी आउटकम यहां लिखा है उनमें से कोई अगर हुआ, तो आप कहेंगे कि इवेंट ए हैज अकर्ड, अन्यथा आप कहेंगे इवेंट ए हैज नॉट अकर्ड। जैसे हम एक डाई टॉस किए और 3 अपियर किया, तो हम कहेंगे इवेंट ए हैज नॉट अकर्ड, इवेंट बी हैज अकर्ड, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि बी को जो डिफाइन किए हैं और जो आउटकम आपको आया वो फेवरेबल है टू इवेंट बी। हम एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं नंबर बिटवीन ग्रेटर देन 3 बट लेस देन इक्वल टू 5, तो अब सेट सी को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा, तो देर आर ओनली 2 आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू दिस डेफिनेशन, 3 से बड़ा लेकिन 5 या 5 से छोटा, तो दीज आर दी 2 आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू दिस डेफिनेशन। मान लीजिए आप डाई को टॉस किए और 4 आया, तो हम पूछेंगे ए बी और सी इन तीनों इवेंट में से कौन कौन अकर किया, तो आप देखिए कि 4 आउटकम फेवरेबल है कि नहीं टू इवेंट ए, मतलब ए सेट में वो आउटकम है कि नहीं, अगर है तो आप बोलेंगे इवेंट ए हैज अकर्ड, इवेंट बी हैज नॉट अकर्ड बट इवेंट सी हैज अकर्ड। क्या क्या शब्द अब तक सीखे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज नॉट सर्टेन, सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, the collection of all possible outcomes of that random experiment, event associated with a random experiment, it is collection of some possible outcomes, yani it is a subset of the sample space. kitna subsets ban sakta hai yahan, yani kitna tarah ka hum events define kar sakte hain। अब आपको सेट्स याद दिला रहे हैं, किसी भी एक सेट का सबसेट कितना तरह का सबसेट आप बना सकते हैं। सबसेट बनाते वक्त आप इसी में से एलिमेंट्स को चुनते हैं, तो हम ऐसा सबसेट बनाएं जिसमें हम एक एलिमेंट चुने हैं, ऐसा हम कुल 6 सबसेट्स बना सकते हैं जिसमें एक एक एलिमेंट को चुन करके बनाए, एक कलेक्शन बना रहे हैं सबसेट्स का कलेक्शन, उसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं ऑफ सेट एस। किसी भी सेट का सारा सबसेट्स को अगर इकट्ठा कर ले तो उस सेट को हम लोग कहते हैं पावर सेट। ये सब हम लोग सेट्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको सेट्स के को बार बार आपको रिवाइज करते रहना होगा, इसलिए क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट डेवलप करने जा रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, वो एंटायरली बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। अब देखिए अब तक हम लोग 2 बात बोले हैं, सैंपल स्पेस विच इज अ सेट, इवेंट एसोसिएटेड विथ एन एक्सपेरिमेंट इट इज अ सेट,
पिछले सेट्स को हम रिवाइज कराते चलेंगे, तो हम इस सेट का सारा सबसेट्स कहीं की लिख डालिए, अब दो दो एलिमेंट वाला सबसेट्स 1, 2, 1, 3, 1, 4 ये एक सेट है जो कि इसका सबसेट है, ऐसा 1, 6 ये बहुत बनेगा, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 फिर 3, 4, 3, 5, 3, 6 फिर 4, 5, 4, 6 फिर 5, 6 फिर तीन तीन एलिमेंट वाला सबसेट्स 1, 2, 3 इसी तरह से 1, 2, 4 तीन तीन का, फिर चर चर वाला, पांच पांच वाला, फिर छो वाला, एक नल सेट कि हम किसी एलिमेंट को नहीं लेंगे सबसेट बनाते वक्त। इस पूरे कलेक्शन को हम लोग कहेंगे इस सेट का पावर सेट, ये सबसे बड़ा सबसेट है। इस सेट का सारा सबसेट्स यहां लिख दिए हैं, इनका कितना संख्या है, इसके सबसेट्स का कितना संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट एस वो कितना है, तो हम लोग एक फॉर्मूला रटे थे, वो है 2 to the power n, यानी अगर इसमें 6 एलिमेंट्स है तो यहां कुल 2 to the power 6 एलिमेंट्स होगा, यानी इतना सबसेट्स बनाया जा सकता है, विच इज 64। इसको कैसे प्रूफ करें इस बात को, दो तरीके से हमने प्रूफ किए थे। तरीका एक कि हम सबसेट बनाते हैं, चलिए बनाते हैं सबसेट। सबसेट बनाने के लिए क्या करते हैं, एलिमेंट को चुनते हैं या नहीं चुनते हैं। इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सबसेट तो हम 1 को सेलेक्ट करते हैं सबसेट के लिए या नहीं करें, दो विकल्प है, और इसके लिए भी दो विकल्प, इस नंबर को, इस एलिमेंट को हम अपने सबसेट में रखें कि नहीं रखें। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 to the power 6 प्रूफ कंप्लीट। हाँ, उसमें एक केस वो भी आ गया कि जब आप किसी को नहीं चुने, इसको सोचे कि रखें कि ना रखें, छोड़ नहीं रखते, इसको भी सोचे उसको नहीं रखे, इसको भी नहीं, किसी को नहीं रखे, एक नल सेट बना। एक विकल्प ये भी है कि आप सबको चुन लिए, सबसे बड़ा वाला सबसेट बना, अब बाकी बीच में ये सब है, आप सोचे कि हम 1 को सेलेक्ट करते हैं फॉर माई सबसेट, 2 को नहीं करते हैं, 3 को करते हैं, 4, 5, 6 को नहीं करते हैं, तो 2 to the power। और एक दूसरा तरीका जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े थे, यहां पे 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से एक एक ऑब्जेक्ट कितने तरह से चुन सकते हैं, 6E1, दो दो ऑब्जेक्ट कितने तरीका से चुन सकते हैं, ई वाला कैठो बनेगा, 6C2, 6 में से 2 चुनने का तरीका, 6 × 5 / 2 ⋅ 15, दो दो वाला एलिमेंट वाला सबसेट कुल 15 बनेगा, तीन तीन वाला कैठो बनेगा 6C3 विच इज 6 × 5 × 4 / 3 × 2, 6 कैंसिल हो गया 20, तीन तीन वाला 20 बनेगा। एक को नहीं चुने, 6 में से एक भी नहीं चुने, 6E0 एक तरीका, 6E1, 6E2, 6E3, 6E4, 6E5, 6E6 इन सबको ऐड कर दीजिए। इस सेट में एक एक एलिमेंट वाला सबसेट, दो दो एलिमेंट वाला, तीन तीन वाला, चार चार वाला, पांच पांच एलिमेंट वाला, अच्छे अच्छे वाला, एक ठो है, ये भी एक ठो है। इसका जो सम होगा वो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन में सीखे। अगर आप 1 + x⁶ इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6C0 + 6C1 × x + 6C2 × x² + ……x⁶ इसी को लिख सकते हैं ऐसे, ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन लिखा है। अगर हम x के जगह 1 डाल दें दोनों तरफ, तो राइट हैंड साइड मिलेगा 6C0 + 6C1 + 6C2 + 6C6 का वैल्यू मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड 2 to the power 6। यानी हम लोग 1 + x⁴ का जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखे कि इसका आइडेंटिकल फंक्शन है, इधर जो कुछ भी लिखा हुआ है फंक्शन और इधर जो लिखा हुआ है, NC0 + NC1 × x + NC2 × x² + …NCn × x⁴, ये दोनों फंक्शन सेम है, इधर x का कुछ भी वैल्यू डालिए उधर भी वही डालिए, सेम रिजल्ट आएगा।
अगर दोनों तरफ हम x की जगह 1 डाल दें तो हम सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स निकल जाता है 2 टू द पावर n। तो किसी भी सेट का हम कुल सबसेट्स का संख्या पूछ दें तो तुरंत बताना होगा। खाली इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम हो जाए तो आप तुरंत बता देंगे इसका सारा सबसेट्स कितना होगा, यानी कि कितना तरह का हम इवेंट डिफाइन कर सकते थे इस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो सैंपल स्पेस होता है वो यूनिक है, किसी को बोलेंगे यही लिखेगा, लेकिन इवेंट वो सवाल में हम पूछते हैं आई डिफाइन एन इवेंट। जैसे हम एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं अ नंबर लेस देन 1 अकर्स, तो उस इवेंट को अगर हम शब्दों में लिखे हैं नंबर लेस देन 1 अकर्स तो आप तुरंत लिखेंगे ऐसे लिखते हैं या फाइल लिख देंगे। हम ऐसा कुल कितना इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, माने हर इवेंट एक सबसेट है इसका, 64 सच इवेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स। द नंबर 1 अपीयर्स, इस इवेंट को हम E1 कहें तो इसका एक ही आउटकम है जो फेवरेबल है टू दिस डेफिनेशन। द नंबर 2 अपीयर्स, ये भी एक इवेंट है डिफाइन कर रहे हैं, जैसे ही बोलेंगे आप उस इवेंट का एक नाम रख देंगे कुछ E2 और आप तुरंत जो जो आउटकम फेवरेबल हो टू दिस डेफिनेशन उस सब को यहां कलेक्ट करके एक सेट के रूप में दिखाना होता है। अभी यहां जो हम इवेंट्स डिफाइन कर रहे हैं वो सब ऐसा इवेंट्स डिफाइन कर रहे हैं जिसका वन सिंगल आउटकम हो, ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। जैसे अगर हम कोई एक इवेंट डिफाइन करें एन इवन नंबर अपीयर्स, उस इवेंट का नाम हम कुछ ए रख रहे हैं और सारा आउटकम्स जो फेवरेबल है टू दिस डेफिनेशन उसको हम कलेक्ट करके लिख दिए सेट के रूप में, ऐसे इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स जिनका एक ही आउटकम फेवरेबल हो। सो फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड आई कैन डिफाइन 6 एलिमेंट्री इवेंट्स। बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, इसका सैंपल स्पेस में 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। हम इससे रिलेटेड कितना एलिमेंट्री इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, 2, एक जिसका आउटकम हो सिर्फ एच, एक जिसका आउटकम हो सिर्फ टे। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें टॉसिंग अ क्वाइन 3 टाइम्स सक्सेसिवली, यानी आपको जाना है लैब में एक क्वाइन लेना है, टॉस किए जो आया लिखे, फिर टॉस किए जो आया लिखे, टॉस किए जो आया लिखा, अब आपका एक्सपेरिमेंट समाप्त हुआ। यानी कि आपका एक्सपेरिमेंट में एक टॉस नहीं है, 3 सक्सेसिव टॉसेस, आपको आया एच फिर एच फिर टी आ गया, तो आप लिखेंगे कुछ एच एच टी, फिर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, जब फिर कीजिएगा तो फिर 3 बार टॉस कीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंट है। तो इसका सैंपल स्पेस लिखिए, लिख रहे हैं एच एच एच, इस एच को हम फिक्स कर रहे हैं और इन दोनों को वैरी कर रहे हैं एच टी, एच टी एच और एच टी टी। फर्स्ट पोजीशन पे हम एच को फिक्स कर दिए, कुल कितना एलिमेंट्स लिखने वाले हैं सो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि देयर आर 3 डैश 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 हर एलिमेंट। अब इस पे 2 विकल्प है, या तो एच लिखेंगे या टी, यहाँ एच लिखेंगे या टी, यहाँ एच लिखेंगे या टी, यानी कि 2 × 2 × 2 8 पॉसिबल आउटकम्स होने वाला है। एक्चुअली में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सारा आउटकम्स को लिखे, इंपॉर्टेंट वही है कि कितना नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है जो कि बिना लिखे हम बता सकते हैं इतना होगा, वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग सीखा है हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली राइटिंग, फिर भी लिखना भी आना चाहिए। अब हम इस स्थान पर टी रख देते हैं, अब बाकी दोनों को बदलते जाते हैं टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी,
हो गया सारा पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट टॉसिंग थ्री क्वाइंस सक्सेसिवली, दैट इज माई एक्सपेरिमेंट. हम आपको सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि कितना एलिमेंट्री इवेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड. आठ, ऐसा एक इवेंट जिसमें सिर्फ ई वाला आउटकम हो, तीनों हेड्स. एक दूसरा इवेंट जिसमें कि पहला बार हेड आए, दूसरा बार हेड और तीसरा बार टेल आए, एक एक वो है. ऐसा इवेंट्स को हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट. अगर हम कहें एक इवेंट डिफाइन करें इस एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, एग्जैक्टली वन हेड, यानी अब आपको वो सब आउटकम्स को यहां लिखना है जिसमें सिर्फ एक बार हेड आया, मतलब बाकी दो बार टेल आया. सबको लिखते हैं एच टी 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 एच टी 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 एच. एक हेड आने वाला सारा आउटकम यहां लिख दिए. अब इस इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट नहीं बोलते. आपको कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे जितना भी सवाल होगा एक एक्सपेरिमेंट होगा, रैंडम होगा, जिसका सारा आउटकम्स आप जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन उनमें से कौन होगा ये निश्चित नहीं जानते. तभी तो पूछेंगे ना कि क्या संभावना है, व्हाट इज द चांस. अभी हम डाई टॉस करेंगे, पूछेंगे व्हाट इज द चांस कि एक इवन नंबर अपीयर करेगा. तो चूंकि निश्चित नहीं है तभी तो ये सवाल बनता है. आप जवाब में क्या हमको देंगे जब हम प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर विल अपीयर व्हेन आई विल थ्रो अ डाई. क्वेश्चन का शक्ल ऐसा लगेगा. तो आप जवाब क्या देंगे अभी हम आपको नहीं सिखाए हैं. मैंने आई हैव नॉट डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. अभी आपको बता रहे हैं पहले दो महत्वपूर्ण चीज जिसके पहले आप सवाल नहीं बना सकते. पहला कि उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिख लीजिए और जिस इवेंट का हम होने का संभावना पूछ रहे हैं यह होने का क्या संभावना है, उस इवेंट के फेवरेबल सारे आउटकम्स का कलेक्शन लिख लीजिए. यानी क्रिएट टू सेट्स फर्स्ट. अब हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने जा रहे हैं. आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इस बात के होने का क्या संभावना है कि आप तीन बार अगर सक्सेसिवली टॉस करते हैं एक फेयर कॉइन को तो एक बार सिर्फ हेड आए, एक क्वेश्चन पूछेंगे. तो आपको पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे और फिर उस इवेंट का डेफिनेशन था वन हेड अपीयर्स आउट ऑफ द थ्री टॉसेस. तो ऑल आउटकम्स फेवरेबल टू दैट इवेंट का सेट लिख लेंगे. अब ये दोनों सेट लिखने के बाद तब आपको जवाब देना है. ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इक्वल टू आंसर. यहां क्या लिखेंगे अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं. लिखते ऐसे हैं, अब पढ़ते ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, हिंदी में इवेंट ए के होने का संभावना. अब तो संभावना है ना, निश्चित तो नहीं है कि होगा ही, इन्हीं में से कोई एक हो जाएगा, ये पक्का तो नहीं. देयर इज अ चांस, नहीं बोलते हैं हम लोग कि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच है, देयर इज अ 50-50 चांस है इंडिया के जीतने हारने का. तो किस आधार पे बोलते हैं आप, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं? कॉइन टॉस करेंगे तो 50-50 चांस है कि टेल आएगा हेड आएगा. तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर आंसर. हम सब मैथमेटिशियन है, हम लोग रैंडम आंसर नहीं दे सकते. हम लोग का आंसर एक निश्चित संख्या होना चाहिए जो हमारा और आपका सबका सेम होगा. तो क्या आंसर हम सब देंगे वो अब कॉन्सेप्ट डेवलप करने जा रहे हैं. उस कॉन्सेप्ट के बेस में है द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स. Now I am going to develop the concept of probability. कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हम लिख रहे हैं
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tossing a die वाला हम example फिर से लिए. इसका 6 elementary events है. 1 elementary event, दूसरा है, तीसरा, ऐसा ऐसा. There are 6 elementary events. हम लोग को करना यह है कि जब भी हम किसी भी इवेंट के होने का संभावना पूछें कि बताइए, तो हम लोग डिसाइड ये किए हैं कि जवाब में आप एक संख्या बताएंगे, सम नंबर लाइंग बिटवीन 0 to 1. ये पहला कॉन्सेप्ट है मेरा. हम कॉन्सेप्ट्स को अब डेवलप कर रहे हैं ऑफ प्रोबेबिलिटी. पहला स्टेटमेंट है कि किसी भी इवेंट के होने का संभावना जब हम पूछेंगे, तो जवाब में आप एक संख्या रिटर्न करेंगे हमको, एक रियल नंबर. इट में बी 0.1, 0.2, 0.007. कई बार उसको परसेंट में भी बोल देंगे, जैसे 0.7 को हम लोग 70% बोल देंगे. हाँ, क्योंकि 70/100 का मतलब होता है 0.7. तो जब भी हम किसी इवेंट के होने का संभावना पूछेंगे, तो जवाब में आप एक संख्या रिटर्न करेंगे 0 से लेके 1 के बीच में. कब बोलेंगे 0? जब वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जो हो ही नहीं सकता है, इसके होने का तो संभावना ही नहीं है, इट जस्ट कैन नॉट हैपन, तो वैसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट. जैसे हम एक इवेंट डिफाइन कर दें इस एक्सपेरिमेंट में, अ नंबर ग्रेटर देन 6 अपीयर, नंबर ग्रेटर देन 6 अपीयर्स. हम पूछें इस इवेंट के होने का संभावना, आप तुरंत बोलेंगे 0, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता. अगर हम इसका सेट क्रिएट करते तो उसमें एक भी आउटकम नहीं है जो फेवरेबल है टू दिस इवेंट, नल सेट है. कभी होगा ही नहीं, कोई आउटकम ही नहीं आएगा जब हम कहने का मौका मिले हमको कि ए हुआ इवेंट ए. 6 से बड़ा आएगा तब ना बोलिएगा कि इवेंट ए हुआ, और कभी आएगा नहीं. तो हम ऐसे इवेंट के केस में कहेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज 0. ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. और ऐसा इवेंट जो निश्चित हो कि होगा ही होगा, सर्टेन, जैसे हम अगर एक इवेंट डिफाइन करते हैं, नंबर अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 6 अपीयर्स. अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 6 अपीयर्स. तो सारा आउटकम्स जो फेवरेबल है टू दिस डेफिनेशन, ऑफकोर्स इसी का सबसेट लिखना है, इसी में से देख करके. जैसे हम थोड़ी देर पहले बोले थे, इवेंट एक डिफाइन किए थे नंबर ग्रेटर देन 6, इसी में देखना था कि था कि नहीं कोई आउटकम फेवरेबल टू दैट इवेंट. जब भी इवेंट लिखते हैं तो वो एक सबसेट होता है ऑफ द सैंपल स्पेस. अभी जो इवेंट डिफाइन किए वो आप ये लिख दिए, यानी कि कब बोलेंगे कि इवेंट ए हैज अकर्ड, जब 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 में से कोई एक भी आएगा तो हम कहेंगे ए हुआ. तब तो हमेशा ना बोलिएगा ए हो गया. इस एक्सपेरिमेंट में जब टॉस करेंगे तो इन्हीं में से ना कोई एक आएगा. एवरी टाइम एक्सपेरिमेंट के अंत में पूछेंगे कि ए हुआ था कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस ए हुआ. एवरी टाइम आप बोलेंगे ए हैज अकर्ड. तो ये इवेंट जो डिफाइन किए हैं ये एक सर्टन इवेंट है, ये होना तो तय है, यानी पूरा सैंपल स्पेस ही लिख दे हम. ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस पूछें कि ये इवेंट होने का क्या संभावना है, दैट इज 1. इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड जो इवेंट्स था उस सेट में एक नल इवेंट भी था, कोई आउटकम फेवरेबल नहीं है, और एक एस खुद भी था. इस सेट का सबसेट एस खुद भी होता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट इज सर्टेन, उसको 1 बोलेंगे. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट इज 0, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. अब बाकी सब इवेंट है और सारा इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अनगिनत इवेंट्स हो सकता है, और किसी भी इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी पूछेंगे
इम्पॉसिबल इवेंट और सर्टेन इवेंट के अलावा, तो आप प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा होना होगा एक नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ये मेरा पहला महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको ये मालूम होना होगा ना कि प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन के रूप में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम कुछ इनपुट देंगे आपको सवाल, आप हमको एक आउटपुट रिटर्न करेंगे। तो क्या रिटर्न करेंगे आप? जैसे साइन फंक्शन में हम क्या क्या डाल सकते हैं एज इनपुट, और आप क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं एज आउटपुट, ये जानकारी होना चाहिए। तो हम साइन ऑफ एनी रियल नंबर पूछ सकते हैं, और आप जब भी जवाब देंगे तो -1 से 1 के बीच में लाई करने वाला कोई रियल नंबर देंगे, इंक्लूडिंग -1। और तो प्रोबेबिलिटी भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ऑफ एनी इवेंट एज अ फंक्शन, जिसका आंसर आप हमेशा रिटर्न करेंगे सम रियल नंबर लाइंग बिटवीन 0 टू 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, कि अब जब हम किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछेंगे कि बताइए, तो कोई भी इवेंट कुछ आउटकम्स का बना होता है, एवरी इवेंट। अब इसमें जो जो आप एलिमेंट्स लिखे हैं, मान लीजिए कि एक इवेंट ए डिफाइन किए हैं, एन ऑड नंबर अपीयर्स, आप देख लीजिए कौन कौन आउटकम है जो फेवरेबल है टू दिस डेफिनेशन, वो सेट क्रिएट कर दिए इवेंट ए। अब इवेंट ए जो है वो कौन कौन एलिमेंट्री इवेंट्स का यूनियन है, तो हम देख सकते हैं E1 सेट, E3 सेट और E5, इन 3 एलिमेंट्री इवेंट्स का ये यूनियन है ये वाला इवेंट। कोई भी इवेंट डिफाइन करेंगे तो आप उसको इस तरह से लिख पाएंगे, कुछ एलिमेंट्री इवेंट्स का ही यूनियन होगा। अगर हम कहते हैं कि एक इवेंट है B, इट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 6, तो आप 4 और 5 दो आउटकम लिखते। हम अगर इवेंट बी के बारे में पूछते कि कौन कौन एलिमेंट्री इवेंट्स का यूनियन है ये, तो आप E4 यूनियन E5 के रूप में इसको लिख पाते। हम लोग डिसाइड किए हैं कि हर एलिमेंट्री इवेंट जिसमें एक एक आउटकम है, हर एक आउटकम के होने का एक संभावना करके हम एक नंबर असाइन करेंगे, सम फ्रैक्शन बिटवीन 0 टू 1। इवेंट 2 के होने का संभावना हम लोग पहले से एक नंबर असाइन करेंगे इन 6 एलिमेंट्री इवेंट्स के होने का संभावना हम लोग पहले डिसाइड करेंगे सम फ्रैक्शंस, जिनका सम ऐड करके 1 होना चाहिए, ऐसा हम लोग असाइन करेंगे। यानी आप इसको सरल शब्दों में समझिए कि हम पहले सवाल बनाने के, कोई भी आप इवेंट डिफाइन करेंगे और हम पूछेंगे इस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो पहले क्या करना है कि उसके सैंपल स्पेस का ईच एलिमेंट्री इवेंट के होने का संभावना आपको पता होना चाहिए, जो कि एक संख्या होगा, सम फ्रैक्शन सच दैट सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस मस्ट ऐड अप टू 1। यानी इस एलिमेंट्री इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी, मान ले कोई एक फ्रैक्शन है f1 f2 f3 ... f6, तो f1 + f2 + f3 + f6 का वैल्यू 1 होना चाहिए। दैट इज माय सेकंड कॉन्सेप्ट। फॉर ईच एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट देयर मस्ट बी असाइंड अ यूनिक फ्रैक्शन, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट कहलाएगा, सच दैट ईच फ्रैक्शन विच इज अ नंबर लाइन बिटवीन 0 टू 1, सम ऑफ दोज फ्रैक्शंस मस्ट ऐड अप टू 1। अब तैयार हो गया। अब जब हम किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, तो इवेंट ए अगर बना है
फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5 का, यानी इवेंट ए अगर बना है E1 यूनियन E3 यूनियन E5 का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए पूछेंगे तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 करके आंसर बता दीजिएगा. आई हैव सक्सेसफुली डिफाइंड क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. जैसे इस इवेंट के होने का संभावना पूछेंगे तो आपको अगर ये आउटकम होने का संभावना अलग से पता हो पहले से, वो आप डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए, अभी हम लोग करेंगे. तो अगर अलग अलग इन तीनों आउटकम्स के होने का संभावना पता है F1, F3, F5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट पूछेंगे तो आपको तीनों को बस ऐड करके जवाब दे देना है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. यानी अब तो मुश्किल ही नहीं है. अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी बोलें, डिफाइन कर दें, अ नंबर ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 6 अपीयर्स, तो आप इवेंट बी पहले क्रिएट कर लीजिए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी पूछें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 4 पता होना चाहिए अलग से, जिसको कि हम PE4 लिख रहे हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट 5 जिसका कि ओनली वन सिंगल आउटकम है 5, वो पता होना चाहिए. अब बस दोनों को खाली ऐड कर देना है, जो कि इस केस में हम अगर F4 और F5 दो संख्या असाइन कर चुके हैं पहले से, तो इस इवेंट के होने का संभावना इतना है. हम एक और इवेंट डिफाइन करें कि अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 अपीयर्स, तो आप इवेंट को लिख लीजिए तुरंत फेवरेबल आउटकम्स. ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सी पूछे तो F5 प्लस F6 लिख दीजिए. यानी बड़ा सिंपल है, आपको पहले उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए, उसके हर एलिमेंट्री इवेंट मतलब हर सिंगल आउटकम का होने का संभावना एक नंबर आपको डिसाइड करना होगा, 0 से 1 के बीच में डिसाइड करना होगा एक नंबर, और उनका सम ऐड करने पर 1 होना चाहिए नेसेसरीली. अब वो कैसे डिसाइड होगा, इतने में छिपा है बात. मैंने हम कुछ का कुछ नहीं सोच सकते हैं कि इसके होने का संभावना 0.2 ले लेते हैं, इसका 0.1 ले लेते हैं, इस इवेंट के होने का संभावना 0.05 ले लेते हैं, 0.07 ले लेते हैं, 0.1 एक और कुछ नंबर सोच ले ताकि सबका सम 1 हो जाए. नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं. अभी इतना बोले कि सबसे पहले यही करना होगा आपको, सैंपल स्पेस लिखने के बाद उसके एक एक एलिमेंट्री इवेंट यानी एक एक आउटकम के होने का संभावना एक नंबर पहले से आपको असाइन करना होगा. और तब हम अब उससे रिलेटेड कोई इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी पूछे तो बस खाली इवेंट लिखिए और उसमें जो जो आउटकम लिखा है, जैसे 1, 3, 5 अगर 1 के होने का संभावना आप असाइन किए हैं 0.2, 3 के होने का संभावना आप असाइन किए 0.05, 5 के होने का संभावना इतना, तो इस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी जब पूछे तो इन्हीं तीनों संख्याओं को ऐड कर दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा. अभी तो ही बताया, यानी अब सिर्फ केवल क्या रह गया बताने को हमको कि कैसे असाइन करेंगे उसके ईच एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी, वो फ्रैक्शन कैसे चुनते हैं. वो मुश्किल नहीं है चुनना. देखिए, वो चॉइस भी सब कोई का कॉमन होना चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ चुन लिया आप कुछ चुन लिया. बस अब खाली हमको चुनना बताना है. ये जितना भी आउटकम्स है एक डाई के टॉस करने पर, अगर आपको पक्का विश्वास है कि ये 6 आउटकम के होने का संभावना बराबर है, दे आर ऑल इक्वली लाइकली आउटकम्स, जो कि है, तभी तो हम जो बार बार बोल रहे हैं कि फेयर डाई, यानी आप जब भी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं तो सब कंडीशंस एकदम सिमिलर होता है, रिपीट करते हैं आप. मैंने आप ऐसा नहीं है कि इस बार आप ऐसे रख के और 6 को ऐसे रख दिए. नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, यू जस्ट हैव टू थ्रो इट. तो अगर आपको पक्का विश्वास है कि जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है वो सब इक्वली लाइकली है,
यानी तब सबका असाइन प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए, एफ 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 एफ, सबका सम। हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बनाए हैं कि किसी भी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जो भी आप नंबर सोच रहे हैं असाइन करेंगे, उनका सम वन होना चाहिए। और इस केस में अगर आप पक्का जानते हैं कि दे आर ऑल इक्वली लाइकली, तो ईच का असाइंड प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 6f मस्ट एड अप टू 1, यानी ईच का असाइंड प्रोबेबिलिटी 1/6 आप चुनेंगे। अब हर कोई यही चुनेगा, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस अगर आप तैयार करते हैं जिसमें मान लीजिए देर आर एन पॉसिबल आउटकम्स, और अगर सब आउटकम बराबर संभावना है होने का, तो ईच का असाइंड प्रोबेबिलिटी will simply be 1/n, 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 if all of them are equally likely, so each का assigned probability 1/n। अब हम मान लीजिए इस experiment से associated कोई event define करें, आप probability पूछे, जैसे define करते हैं event A, a number greater than 3 but less than 6, favorable outcomes निकली है, और इस event के होने का संभावना, तो डेफिनेशन के अनुसार इस आउटकम का जो एलिमेंट्री इवेंट होगा ना, एक कुछ E4 जिसमें सिर्फ एक आउटकम होगा, E5 जिसमें एक आउटकम होगा, A जो है वो E4 यूनियन E5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, जिसका मतलब कि इस आउटकम के होने का संभावना 1/6 + 1/6 2/6, that is the answer। यानी इस इवेंट के होने का संभावना 1/3 है, यानी हर 3 एक्सपेरिमेंट में से एक बार ऐसा होगा कि आपके मुंह से निकलेगा कि इवेंट ए हैज अकर्ड। ऐसा जरूरी नहीं कि हर 3 बार में होगा ही, एक संभावना है, नथिंग इज सर्टेन। जब भी ए आएगा तब रिपोर्ट कीजिएगा, मानी रजिस्टर पे लिखिएगा, क्वाइन टॉस किए देखें, 4 या 5 आएगा तो ए लिख दिए, फिर डाई टॉस किए देखें, 4 या 5 आएगा तो ए लिख दे, फिर डाई टॉस किए, अगली बार 4 या 5 नहीं आया, हाँ तो आप ए प्राइम लिख दिए, ए प्राइम नॉट ए, फिर डाई टॉस किए, फिर देखे 4 या 5 नहीं आया, फिर ए प्राइम लिख दिए, फिर नहीं आया, ए ब्राइम लिख दिया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ए आया ए आया ए आया, ए ब्राइम ए ब्राइम ए ब्राइम ए ब्राइम ए ब्राइम आता है। तो ऐसा नहीं है कि हर 3 बार में एक बार जरूर से ऐसा होगा कि ए इवेंट अकर करेगा, हर 300 बार में जरूरी नहीं है कि 100 बार गिनती करें, अगर 300 बार तो 100 बार निश्चित रूप से उसमें ए दिखेगा, नहीं ऐसा नहीं है, बट क्वाइट क्लोज, 100 के काफी निकट होगा। 3000 बार अगर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, करीब करीब 1000 बार आपको दिखेगा कि ए हैज अकर्ड, और ये बात उतना ज्यादा सत्य होगा जितना ज्यादा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे। माने 3 बार में तो हो सकता है कि 3 बार ये इवेंट ना हुआ, तब तो आप कहिए कि तब तो फेल कर गया प्रोबेबिलिटी का सारा डेफिनेशन जी, तुम तो कहे थे कि हर 3 बार में एक बार ए होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये संभावना है, वी आर एक्सप्रेसिंग द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट थ्रू अ नंबर, दैट डज नॉट मीन कि वही पक्का होगा। हाँ, लेकिन अगर इस एक्सपेरिमेंट को तुम 3 बार में तो नहीं दिखा, लेकिन 300 बार में बहुत हद तक मेरा बात सही मिलेगा, यानी 100 के निकट होगा, और 3000 बार में तो बहुत ही मेरा बात सत्य होगा। यानी कि जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिएगा, उतना ज्यादा ये बात क्लोज होगा, 1/3। ये इक्वली लाइकली बड़ा इंपॉर्टेंट था, ईच आउटकम वॉज इक्वली लाइकली, तब बड़ा आसान था, इसके होने का संभावना 1/6, 1/6, 1/6 असाइन कर दिए,
अच्छा, इसके बिना आप सवाल नहीं बना सकते हैं। पहला काम होता है टू असाइन सूटेबल प्रोबेबिलिटीज फॉर ईच एलिमेंट्री इवेंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है क्या जिसका आउटकम सब इक्वली लाइकली ना हो? हाँ, बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर रहे हैं। आपको एक क्वाइन टॉस करना है, अगर हेड आया तो क्वाइन को फिर से टॉस कर दीजिएगा, और अगर टेल आया तो एक डाई टॉस कीजिएगा। लेट अस परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। फिर से बोलते हैं एक बार, आपके हाथ में एक क्वाइन है और एक डाई है, क्वाइन टॉस कीजिएगा, अगर हेड आ गया तो फिर क्वाइन ही को टॉस कीजिएगा, आपका एक्सपेरिमेंट समाप्त हो गया, आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। दो रिपोर्ट आप कर सकते हैं आउटकम एच 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 टी। मान लीजिए हेड आया फिर टॉस की हेड आ गया, तो आप आउटकम बताएंगे ना एच एच, और टॉस की एच आ गया फिर दोबारा किए तो टी आ गया। दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बोला गया है कि अगर एच आता है तो फिर से क्वाइन को ही टॉस करना, और अगर टेल आता है तो डाई टॉस करना। तो और क्या क्या आउटकम्स हो सकता है? टॉस किए टेल आ गया, अब आप डाई टॉस किए, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स, यानी इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है उसमें एच एच है एच टी है, हेड आने पर फिर दोबारा टॉस किए क्वाइन को ही, या टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव और टी सिक्स। इस सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स है एक दो छ आठ एलिमेंट्स हैं, पर ईच वन से एसोसिएटेड अगर हम एक इवेंट डिफाइन करें एलिमेंट्री जिसमें सिर्फ एच एच लिखे, आप पूछें कि ये इवेंट होने का क्या संभावना है? जब तक वो नहीं जानेंगे कि ईच इंडिविजुअल आउटकम्स के होने का संभावना क्या आप असाइन किए हैं, तब तक कोई सवाल नहीं बना सकते हैं। हम अगर पूछ दें एक इवेंट डिफाइन करके ए अ टेल अपीयर्स, यानी हमारे आउटकम में कहीं टेल लिखा हुआ है, तो सारा आउटकम्स फेवरेबल टू दिस डेफिनेशन, एक ई वाला है ई सिक्स है, तो एच टी टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स है। अगर हम इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछें कि बताइए, तो आपको इस सिंगल आउटकम का प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, फिर इस सिंगल आउटकम का, फिर इस सिंगल आउटकम का, फिर सबका जोड़ करके तब आंसर देंगे, यही डिसाइड हुआ है। तो जब तक उसके ईच सिंगल आउटकम का होने का संभावना नहीं आपको पता हो, सवाल नहीं बना सकते। और ये सब इक्वली लाइकली नहीं है, हेड हेड आने का संभावना और टी वन आने का संभावना सेम नहीं है, ये सब सेम टाइप का चीज भी नहीं दिख रहा। हाँ, ये लग रहा है कि सब सिमिलर टाइप का लग रहा है, ई के बाद टी आ गया, अब डी के बाद वन आएगा कि टू आएगा कि थ्री आएगा, सब इक्वली लाइकली लग रहा है, लेकिन ई और इक्वली लाइकली तो नहीं लग रहा है भी नहीं। तब हम इनके साथ कैसे असाइन करेंगे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग जितना भी सवाल बनाएंगे पहले, उसमें हमारा सैंपल स्पेस में जितना भी आउटकम्स लिखा होगा वो सारा आउटकम इक्वली लाइकली होगा, और तब प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान होगा किसी भी इवेंट का। तब कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर कोई इवेंट डिफाइन करते हैं जिसमें कि यहां पे कुल मिलाकर के मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n ब्रैकेट में कैपिटल S, और हम एक इवेंट डिफाइन किए हैं इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो e, वो n ब्रैकेट में ऐसे लिख रहे हैं, तो हम अगर इस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम हो कि तीन है और ईच का प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 तीन बार, विच इज 3/6। अब इस 6 को देखिए क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, और 3 क्या है, इट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना अब बहुत आसान हो गया। अब ई सब भी नहीं करेंगे, हम असाइन करने वाला काम भी नहीं करेंगे, हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, आउटकम्स लिखेंगे फेवरेबल टू इवेंट ई, और जब इस इवेंट के होने का संभावना पूछिएगा तो खाली गिनती कर लेंगे इसमें कितना एलिमेंट है और डिवाइड कर देंगे उसमें कितना एलिमेंट है,
और हमको आंसर आ जाएगा. आई रिपीट, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. लेकिन अगर हमारा सैंपल स्पेस का सारा आउटकम्स इक्वली लाइकली है, तब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहें तो बस सिर्फ गिनती करना है. जैसे अब हम अगर कहें कि एक इवेंट भी डिफाइन कर रहे हैं, अ नंबर ग्रेटर देन टू बट लेस देन फोर अपीयर्स, दो से बड़ा चार से छोटा, एक ही आउटकम है. एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं सी, नंबर लेस देन थ्री अपीयर्स, दो आउटकम है फेवरेबल टू दिस इवेंट. अगर हम पूछें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट भी बताइए, तो अब आपको सिर्फ गिनती करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, यानी कि जो जो आउटकम्स फेवरेबल है टू दिस इवेंट डिवाइडेड बाय कुल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, और आंसर सिर्फ 1/6. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट पूछें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, 2/6, आंसर 1/3. अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख करके अब तक जितना सीखे हैं वो समझे हैं कि नहीं कंफर्म कर लेते हैं. सारा सवाल जो हम डिस्कस करेंगे आपसे, उसका जो सैंपल स्पेस होगा उसमें सारा आउटकम्स इक्वली लाइकली है. यानी आप हर बार प्रोबेबिलिटी जब पूछेंगे किसी इवेंट का बता दीजिए, तो केवल आप इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे फॉर इक्वली लाइकली आउटकम्स. ये आवश्यक है बताना ना, क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं है प्रोबेबिलिटी का. कोई एक इवेंट ए वेन डायग्राम अगर बनाए, तो ये मेरा सैंपल स्पेस है. सारा आउटकम किसी एक्सपेरिमेंट का वो एक डॉट है इन दिस रेक्टेंगल. एवरी डॉट रिप्रेजेंट्स वन पॉसिबल आउटकम. और ये कोई इवेंट होगा जो उसका सबसेट है. ओनली सम आउटकम्स जो फेवरेबल होगा वो इसके अंदर. यानी ये सब आउटकम में से कोई आउटकम अगर होता है आपके एक्सपेरिमेंट में, तो आप बोलेंगे कि इवेंट ए हैज अकर्ड, ऐसा बोलेंगे. इनमें से कोई आउटकम होगा तो, और अगर इनमें से कोई हुआ तो आप कहेंगे ए हैज नॉट अकर्ड. उसको हम लोग एब्राहम सिंबल से रिमोट करते हैं. अगर हम पूछेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज अकर्ड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज नॉट अकर्ड, तो इस प्रकार लिखते हैं. अब दोनों में संबंध है, देखिए जरा. क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स का संख्या है और एब्राहम सेट में जो एलिमेंट्स का संख्या है, ये दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ए सेट में जो जो एलिमेंट्स लिखा है और एब्राहम सेट में जो जो लिखा है, उसमें एक भी कॉमन नहीं है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों का अगर ऐड कर दीजिए तो इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. अगर थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए एन एस से, तो आपको एक और थ्योरम निकलता है. किसी भी इवेंट के होने का संभावना और उसके नहीं होने का संभावना का सम वन होता है. यानी अगर हम मान लीजिए एक टॉसिंग अ टाई में एक इवेंट डिफाइन किए, नंबर लेस देन और इक्वल टू टू, पूछे क्या संभावना है ए के होने का, आंसर 2/6. और क्या संभावना है ए के नहीं होने का, तो एब्राहम सेट क्रिएट कैसे करते हैं, सैंपल स्पेस में से जो जो आउटकम फेवरेबल होगा टू इवेंट ए उसको हटा देंगे, तो बाकी सब लिख देंगे, तो उसमें चार एलिमेंट होगा. इसके नहीं होने का संभावना निकालने के लिए आपको 1 माइनस इतना करना है बस. छोटा सा एक डेफिनेशन है, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट. कई बार बोलते हैं जैसे कि कोई भी इवेंट के होने का जो संभावना है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, और उसके नहीं होने का संभावना को ऐसे डिनोट करते हैं. और दोनों को डिवाइड करने पर जो संख्या आता है
उसको बोलते हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, और इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो इसको बोलते हैं ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए। एक बस एक डेफिनेशन है ये। जैसे अगर हम टॉसिंग अ डाई वाला एक्सपेरिमेंट लें और एक इवेंट डिफाइन करें, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 2 अपीयर्स, तो हम अगर पूछें कि व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट ए, तो आप जवाब में क्या देंगे? आप इस इवेंट के होने का संभावना निकालेंगे 2/6, और इस इवेंट के नहीं होने का संभावना निकालेंगे 4/6, और दोनों को डिवाइड करके बोलेंगे 2/4 या 1/2। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये नंबर 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। अगर हम कहेंगे व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए, ऑड्स अगेंस्ट, तो आप इस संख्या को इससे डिवाइड करेंगे, आंसर 4/2 बोलेंगे, तो ये नंबर 1 से बड़ा हो सकता है, याद रखिएगा इस बात को, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। बहुत बार क्या किया जाता है ना कि हम इस तरह से बोलेंगे कि कोई एक इवेंट है ए जिसके पक्ष में ऑड्स है, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, एक नंबर बता देंगे ए। एक्चुअली हम बताना चाह रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, लेकिन हम बता दिए आपको ये। हाँ, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है, क्यों? देखिए, हम ए मतलब होता है पी ए बाई पी ए ब्राइन, और पी ए ब्राइन का मतलब होता है 1 - PA, तो इससे आप पी ए निकाल सकते हैं। पी ए देखिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए माइनस ए टाइम्स इतना इक्वल टू पी ए, इसको उस तरफ ले जाइए, ऐड कर दीजिए, पी ए कॉमन लेकर के ए प्लस 1, और डिवाइड कर दीजिए। यानी कि अगर कोई इवेंट के पक्ष में आपको ऑड कह दे कि ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट आपको समझना है कि हम ए बटे ए प्लस 1 इन कर रहे हैं। अगर हम ए बटे बी इस रूप में देते हैं ऑड्स इन फेवर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, वो कैसे निकलेगा? वो ए बटे बी बटे ए बटे बी प्लस 1, यानी ए बटे ए प्लस बी, ऐसे लिखते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। एक बॉक्स में देर आर 4 रेड बॉल्स प्लस 3 ब्लैक बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, हाथ डाले निकाले, रजिस्टर पे लिखे जो भी आउटकम आया, फिर वापस डाल दिए, एक्सपेरिमेंट समाप्त। दैट इज योर एक्सपेरिमेंट, ड्रॉइंग 1 बॉल फ्रॉम द बॉक्स, और हर बार एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आप नोट करेंगे। सैंपल स्पेस क्या होगा, क्या क्या आउटकम्स आप बोल सकते हैं? उन बॉल्स का नाम रख देते हैं, लाल बॉल्स का नाम R1, R2, R3, R4, और ब्लैक बॉल्स का नाम B1, B2, B3। इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिख दिए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब हम इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक इवेंट है, इट इज अ ब्लैक बॉल, उस इवेंट को हम कोई एक सिंबल से रिनोट कर दें, ई एफ कुछ भी, इवेंट ई अ ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, यही शब्दों में उसका डेफिनेशन। अब उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू दिस डेफिनेशन, B1, B2। एक और इवेंट डिफाइन किए हैं बी में, इट इज अ ब्लैक बॉल और अ रेड बॉल, इवेंट एफ, हम एक इवेंट एफ डिफाइन कर रहे हैं अ रेड बॉल, इवेंट ई डिफाइन कर रहे हैं अ ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, और इवेंट एफ अ रेड बॉल इज ड्रॉन। आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट आर R1, R2, R3, R4। पार्ट ए में पूछे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, ब्लैक बॉल निकले इसका क्या संभावना है, और पार्ट बी में पूछे हैं, वो नहीं पूछे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल बीइंग ड्रॉन, तब आप लिखते P of F,
हम पूछे हैं कि लाल गेंद या काला गेंद आने का क्या संभावना है, दोनों में से कोई एक। अब लैंग्वेज ऑफ सेट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम इवेंट डिफाइन करते हैं तो आपको भूलना नहीं है कि एवरी इवेंट इज एक्चुअली टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ सेट। जैसे हम यहां इवेंट ही डिफाइन किए, अ ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, उसको रिप्रेजेंट किए सेट के भाषा में। इवेंट डिफाइन किए, अ रेड बॉल इज ड्रॉन, और उसको रिप्रेजेंट किए सेट के भाषा में। अब एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, लाल गेंद या काला गेंद, तो सेट के लैंग्वेज में याद कीजिए उसको हम लोग ई यूनियन एफ ऐसे लिखते हैं। रेड बॉल और ब्लैक बॉल को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो हम इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं पार्ट बी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अ रेड बॉल और अ ब्लैक बॉल। तो हम रेड बॉल वाला इवेंट अलग से डिफाइन किए, ब्लैक बॉल वाला इवेंट अलग से डिफाइन किए, और पूछे आप ये हैं तो लिखेंगे ऐसे, और ये निकालेंगे कैसे। डेफिनेशन के अनुसार इसका सारा आउटकम्स इक्वली लाइकली है, आप हाँ डाले निकाले कौन गेंद बाहर आएगा, सभी गेंद का बाहर निकलने का संभावना बराबर है। ईच गेंद के बाहर निकलने का संभावना है कुल है यहां पे 4 + 3 = 7। अच्छा, यहां एक B3 भी लिख देंगे, देर आर 3 ब्लैक बॉल्स। तो ईच आउटकम का जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 1/7, 1/7, 1/7 है, इक्वली लाइकली। तो जब पूछेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, तो हमको गिनती करना है इस सेट में कितना एलिमेंट्स है, और डिवाइड करना है सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स है, NF/NS, अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई यूनियन एफ को डिवाइड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। अब एक्चुअली गिनती करना होता है सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जब तक नहीं गिनती कर पाएंगे आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे। तो ई यूनियन एफ सेट लिखिए, इन दोनों का यूनियन कीजिए, तो उसमें सारा एलिमेंट्स जो यहां लिखा है और सारा एलिमेंट्स जो यहां लिखा है उसको लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। हम लोग वेन डायग्राम में यूनियन को ऐसे दिखाते हैं, एक सेट ए एक सेट बी का यूनियन, ये इलाका वो है, उन एलिमेंट्स को वहां दिखाते हैं जो कॉमन हो दोनों सेट में, ए इंटरसेक्शन बी वाला ये रीजन है। अगर दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो, हम आपको सेट का कुछ बात सब रिवाइज करा रहे हैं, अगर दो सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी एक नल सेट है, तो हम ऐसी स्थिति में कहते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। और प्रोबेबिलिटी के भाषा में अगर दो इवेंट है जिसमें कोई कॉमन आउटकम नहीं हो, जैसे इन दोनों इवेंट में कोई कॉमन आउटकम नहीं है, तो हम ऐसे दो इवेंट्स को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक बार फिर से बोले, सेट के लैंग्वेज में अगर दो सेट ऐसा है जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी सेट अगर कहें कि बनाइए, तो एक नल सेट बने, तो ऐसे स्थिति में हम उन दोनों सेट्स को कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। वेन डायग्राम में दोनों का चित्र अलग अलग दिखता है, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और प्रोबेबिलिटी के भाषा में चूंकि एवरी इवेंट इज अ सेट, तो दो इवेंट में अगर कोई कॉमन आउटकम नहीं हो, तो हम ऐसे दो इवेंट को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इस शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है, काहे बोलते हैं ऐसा। अगर मान लीजिए इस एक्सपेरिमेंट में हम एक गेंद निकाले और आपसे कहे कि इवेंट ई हुआ है, मतलब ब्लैक बॉल आया होगा, तो हम ई बोल रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि एफ तो नहीं ही हुआ है, क्योंकि कोई ऐसा आउटकम नहीं है
जो दोनों इवेंट में कॉमन है। अगर हम टॉसिंग अ क्वाइन वाला एग्जाम्पल को देखें और हम दो इवेंट डिफाइन करें, एक 4, 5, 6 नंबर्स ग्रेटर देन 3, एक इवेंट डिफाइन करें 3, 4 आउटकम नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 4, एक डिफाइन करें 1, 2, 3। तो इसमें ये वाला इवेंट सी और ये वाला इवेंट ए, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। का मतलब अगर इस एक्सपेरिमेंट में कभी आपको हम रिपोर्ट करते हैं कि इवेंट ए हैज अकर्ड, तो आप अपने से एक्सक्लूड कर लीजिएगा कि तब सी तो हुआ ही नहीं ही हुआ होगा पक्का। या कभी बता दें कि सी हुआ है तो आप अपने से एक्सक्लूड कर लीजिएगा और निष्कर्ष निकाल लीजिएगा तब ए तो नहीं ही हुआ होगा पक्का। हाँ, लेकिन अगर हम कहें कि इवेंट ए हुआ है, तब आप ये पक्का नहीं कह सकते हैं कि बी हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है इवेंट ए होने का मतलब 4, 5 या 6 में से कोई एक आया हो सकता है 4 आया हो, तब वैसे स्थिति में ए और बी दोनों हुआ। हो सकता है 5 आया हो, तब ए हुआ बी नहीं हुआ। लेकिन इतना तो पक्का है कि अगर ए हुआ है तो बी तो नहीं ही हुआ है। यानी सेट्स के भाषा में ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो नल सेट बनेगा, उसको डिसज्वाइंट बोलते हैं। लेकिन यहां हम डिसज्वाइंट वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इवेंट्स का बात कर रहे हैं, नॉट सेट्स। इवन दो वी नो दे आर सेट्स, तो हम कहेंगे कि दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी कि एक का होना ये सुनिश्चित करता है कि दूसरा तो नहीं हुआ होगा। इंग्लिश में अकरेंस ऑफ एनी वन डेफिनेटली एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द अदर। ऐसा दो इवेंट को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे कैनॉट अकर टूगेदर। तो हमको अगर ऐसा दो सेट ए और बी जो डिसज्वाइंट हो, अगर हम कहें कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी में बताइए, यानी आप अगर ए यूनियन बी सेट क्रिएट करते, ए का सारा एलिमेंट्स को लिखते, बी के सारे एलिमेंट्स को लिखते और कहते कि इस सेट में बताइए कितना एलिमेंट्स होगा, तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो तुरंत आप लिख देते सम ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता, इस तरह से होता, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा होता, तब ए यूनियन बी सेट आप बनाते तो उसमें आप ए का सारा एलिमेंट्स लिख देते, फिर बी का जब सारा एलिमेंट्स लिखते तो गड़बड़ा जाता क्योंकि तब कुछ एलिमेंट्स दोबारा लिखा जाता। अगर आप ए का सारा एलिमेंट्स लिख दिए एक बार, तो अब लिखेंगे किसका एलिमेंट्स, बी माइनस द कॉमन वंस, ए बी सेट में जो एलिमेंट्स है उसके अलावा जो बचेगा बी में बस उसी को लिखेंगे। यानी कि तब ऐसे स्थिति में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा इन द सेट ए यूनियन बी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ तब, तो हम लोग गिनती किए थे ए में जो एलिमेंट्स है उनको गिन लें, अब बी में जो एलिमेंट्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स है उतना घटा लें, यानी बी में से ये वाला एलिमेंट्स का संख्या को घटा लीजिए तब ऐड कीजिए, इस संख्या में इस संख्या को ऐड कीजिए। तो हम लोग सेट्स पढ़ते वक्त इस तरह का एक गिनती करने का एक नियम बनाए थे कि जब कभी अगर ए और बी दो सेट का यूनियन सेट कहें कि बनाइए, जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इवेंट ए और इवेंट बी बोलेंगे, आप समझेंगे हम ए यूनियन बी सेट का बात कर रहे हैं। अब कितना एलिमेंट्स है उस सेट में ये गिनना जरूरी है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालिएगा। अभी हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई यूनियन एफ, तो हमको मालूम होना चाहिए कि ई यूनियन एफ सेट में कितना एलिमेंट्स है, जो कि कैसे निकालेंगे हम लोग इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो ई और एफ, जो कि है इस केस में, तो हम इसको एनी प्लस एन एफ लिख पाएंगे बटे एन एस
और अलग अलग दोनों को कर दीजिए फ्रैक्शन, तो एनी बाई एनएस हो जाएगा पीई प्लस पीएफ। यानी हमारे पास एक थ्योरम बना प्रोबेबिलिटी पर कि अगर दो इवेंट है ई और एफ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, और कभी हम ऐसा सवाल पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ आइदर ई और एफ, चाहे काला चाहे लाल, तो काला निकलने का संभावना हमको अगर अलग से पता हो और लाल निकलने का संभावना अलग से पता हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दोनों इवेंट, तो इट इज सिंपली बी इक्वल टू पी प्लस पी एफ। अभी प्रूफ किए किस आधार पे? इसी आधार पे। सेट्स में हम लोग सीखे थे कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा मतलब डिसजॉइंट होगा, तो इस सेट में जो संख्या होगा वो इतना आसानी से निकाल सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन के अनुसार हम थ्रू आउट अगर डिवाइड कर दें एनएस से, सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट और दिस इवेंट, ऐसे ही बोलेंगे अंग्रेजी में जो कि पूछे हैं, या काला या लाल ड्रॉ होने का संभावना बताएंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे और जवाब देंगे इक्वल टू पी प्लस पी एफ इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इफ ई एंड एफ कैन नेवर अकर टूगेदर, मतलब इफ ई इंटरसेक्शन एफ इज अ नल सेट, तब प्रोबेबिलिटी ऐसे बताते हैं। पर ऐसे लिखते नहीं है, लिखते हैं इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक थ्योरम बना हमारा प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन पे आधारित थ्योरम। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता तो, यानी कुछ कॉमन होता आउटकम्स तो दोनों में, आगे है सवाल, कुछ कॉमन होता, तब हम पूछते प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बताइए, तब हमको ये वाला फॉर्मूला चाहिए एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इक्वल टू निकालना होगा एनी थ्रू आउट अगर हम डिफाइड कर दे एन एस से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द टू इवेंट्स। सिर्फ ई के होने का संभावना, सिर्फ एफ के होने का संभावना, माइनस दोनों के साथ होने का संभावना, ऐसे लिखते हैं। जैसे अगर हम टॉसिंग अ डाई में एक डिफाइन कर दें एक इवेंट ए 4 5 6 और एक इवेंट बी 2 4 6, इवन नंबर अपियर्स, नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 अपियर। अब क्वेश्चन पूछे होते कि ए या बी होने का संभावना बताइए, यानी जो एक्सपेरिमेंट आप करें उसका आउटकम या तो इवन नंबर हो या 4 या 4 से बड़ा कोई नंबर हो, दो अलग अलग बात बोले हम। तो होशियारी ये है, आपको समझना है कि पहले हमको दो अलग अलग इवेंट पहले डिफाइन करके दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमको मालूम होना चाहिए, पी ए पी बी और भी चीज मालूम होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमको एक ए इंटरसेक्शन बी सेट का भी प्रोबेबिलिटी मालूम होना चाहिए। वो तभी मालूम होगा जब आप उस इवेंट को लिखिएगा इन द फॉर्म ऑफ अ सेट। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे मालूम होगा, जब सेट लिखिएगा तब ना 3/6 इस इवेंट के होने का संभावना डेफिनेशन के अनुसार 3/6, एक्चुअली आप 1/6 + 1/6 + 1/6 लिख रहे हैं, जो कि हम लोग इक्वली लाइकली अगर है 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखना होगा, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी में नल होता, एक भी एलिमेंट नहीं, अभी है कॉमन एलिमेंट 4 और 6। अब इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6। और अब आपसे पूछे हैं जो सवाल उसका जवाब आप दे पाएंगे, या आप ऐसा भी कर सकते थे कि ए यूनियन बी सेट ही लिख लेते सीधे, इना लिखते ए इंटरसेक्शन, आप सीधे ए यूनियन बी सेट लिख लीजिए, सेम आंसर आएगा। आप पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कीजिए, दिस प्लस दिस माइनस दिस कीजिए,
3 प्लस 3 6 माइनस 2 4 बाय 6 जवाब दीजिए, या आप ए यूनियन बी सेट लिख लीजिए। लिखते हैं 2 4 5 6 और जवाब दीजिए इस इवेंट के होने का संभावना 4/6। दोनों में से कुछ भी कर सकते थे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट फॉर श्योर। तो अभी हमसे पूछा गया है जो सवाल, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट आइदर ब्लैक और रेड। ये एक इवेंट है, काला बॉल निकलना, ये एक दूसरा इवेंट है, ये हो या वो हो। तो हम या तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करें, इक्वल टू लिख दें, चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो पीई प्लस पीएफ लिख लें, कोई कॉमन आउटकम नहीं है दोनों। या हम ई यूनियन एफ सेट क्रिएट कर लें, कीजिए ई यूनियन एफ, इसका सारा एलिमेंट, इसका सारा एलिमेंट लिख लीजिए, बी वन बी टू बी थ्री आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया। तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आंसर इज 7/7, इसमें 7 एलिमेंट है, सैंपल स्पेस में 7 एलिमेंट है। इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 3/7 और इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 4/7, तो आप दोनों को जोड़ करके भी लाते तो ये 1 आता। सो दिस वॉज अ सर्टन इवेंट, लाल आए या काला आए, कोई तीसरा विकल्प ही नहीं है, तो पक्का होगा। एक बक्सा में 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, आर ड्रॉन, अब फिर 3 इवेंट डिफाइन किए हैं, तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 2 बॉल्स आर ड्रॉन, सैंपल स्पेस में लिख लीजिए, नाम दे देते हैं बॉल्स का आर वन आर टू आर थ्री आर फोर बी वन बी टू बी थ्री। आर वन आर टू एक विकल्प है, दो निकाले, एक आर वन था एक आर टू, आर वन आर थ्री आर वन आर फोर आर वन बी वन आर वन बी टू, सारा विकल्प। तो इसे हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि केवल हमको चाहिए कि कितना कुल एलिमेंट्स होगा इस सर्फस स्पेस में। तो सोच के देखिए, कुल 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, दो दो का कितना जोड़ा बन सकता है, 7c2। इस एक्सपेरिमेंट का कुल इतना सारा पॉसिबल आउटकम्स है, विच इज 7 × 6/2 21। अब आगे फाइंड प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ब्लैक, एक इवेंट लिखिए, बोथ बॉल्स ब्लैक, उसमें एलिमेंट्स लिखिए, लिखना नहीं जरूरी है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट, वो संख्या चाहिए हमको, क्योंकि हमको जब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट पूछेंगे तो हमको बस संख्या चाहिए। 2 ब्लैक बॉल, कितने तरीका से 2 ब्लैक बॉल निकल सकता है, देर आर 3 ब्लैक बॉल्स, 3 में से 2 ब्लैक बॉल का कितना तरह का जोड़ा बन सकता है, तब आंसर तुरंत लिख देंगे हम लोग 3c2/7c2, दैट इज द आंसर फॉर पार्ट ए। पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एफ, एक नया इवेंट है उसका नाम रख देते हैं एफ, 1 रेड 1 ब्लैक, एफ इवेंट को डिफाइन कर रहे हैं 1 रेड ऐसे 1 रेड एंड 1 ब्लैक ऐसे, बोथ ब्लैक, आंसर एनएफ बाई एनएस, एनएस तो आप समझ गए हैं, सैंपल स्पेस में इतना आउटकम्स है, फेवरेबल, 1 लाल और 1 काला, चुन के देखिए कितना तरह का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इस 4 लाल में से कोई एक लाल चुनने का तरीका है 4c1, एंड उन 3 काला में से कोई एक 3c1, एंड बोले हैं तो दोनों को गुना करेंगे 4c1 × 3c1, इतना नंबर ऑफ जोड़ा बना सकते हैं R1 के करेस्पॉन्डिंग 3 ठो, R1b1 R1b2 R1b3, फिर R2 के करेस्पॉन्डिंग 3 ठो, R3 के करेस्पॉन्डिंग 3 ठो, R4 के कर, तो हर के करेस्पॉन्डिंग 3 ठो, 4 के करेस्पॉन्डिंग 4 × 3, 12 पॉसिबल पेयर्स आप सोच सकते हैं। सी, एटलीस्ट 1 ब्लैक,
अब एटलीस्ट वन ब्लैक इवेंट का कुछ नाम रख देते हैं, एटलीस्ट वन ब्लैक का मतलब, एटलीस्ट वन ब्लैक का मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लिया होगा, एटलीस्ट वन ब्लैक मींस व्हाट, वन ब्लैक एंड वन रेड या बोथ ब्लैक। तो हम बोथ ब्लैक वाला इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, अब वन ब्लैक वन रेड वाला इवेंट का प्रोबेबिलिटी भी निकाल चुके हैं, हमको निकालना है अब ये या ये। तब आपको जो आंसर पूछ रहे हैं, इस इवेंट का नाम आप जी रखे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ जी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई यूनियन एफ एंड इट इज इक्वल टू पीई प्लस पीएफ इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विच दे आर। इस सेट में जितना भी एलिमेंट्स था सोच के देखिए, दोनों काला, बी वन बी टू बी वन बी थ्री, और एफ सेट में एक लाल एक काला लिखा हुआ था, एक भी कॉमन नहीं है, यानी आपको थर्ड पार्ट में सिर्फ इन दोनों को जोड़ना था। यहां पे है 3c2 मतलब 3 और 4 इंटू थ्री 12, डिनोमिनेटर में 21, तो ये था 3/21, ये था 12/21, ये होगा 15/21। यानी आप जी सेट में लिखते ना एलिमेंट्स, तो कौन वाला लिखते सोचिए आउटकम सब, दोनों काला वाला सब लिखते, मतलब ये सारा लिख लेते, एक लाल एक काला वाला लिखते, मतलब ये सारा लिख लेते, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी मतलब इन सब का सम बटे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यही तो लिखे। एक हॉर्स रेस है जिसमें तीन घोड़ा एबीसी के बारे में आपको बताए हैं कि उनके जीतने के पक्ष में कितना ऑड्स है, ऑड्स इन फेवर ऑफ विनिंग अ रेस फॉर थ्री हॉर्सेस एबीसी, मैंने हॉर्सेस बहुत सारा होगा, हॉर्स रेस में बहुत सारा पार्टिसिपेट करता है, हम तीन पर्टिकुलर हॉर्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि उनके जीतने का जो संभावना है वो नहीं दिए हैं। हॉर्स ए के पक्ष में ऑड्स है 1/3, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि ए घोड़ा जीते इसका संभावना है 1/1+3, 1/4 संभावना है उसके जीतने का, और उसके नहीं जीतने का संभावना 3/4 है, जिसको डिवाइड करके हम 1/3 दे दिए। जीतने का संभावना और हारने के संभावना इस अनुपात में है, यही दिए है, तो प्रोबेबिलिटी जीतने का 1/4 और प्रोबेबिलिटी उसके नहीं जीतने का 3/4, यही दिए है। दूसरा एक घोड़ा है जिसके लिए हम ऑड्स इन फेवर बोले हैं 3/5, यानी हम कहना चाहते हैं उस घोड़ा के जीतने का संभावना है 3/3+5, 8। तीन घोड़ा के बारे में हम आपको बताए हैं कि उनके जीतने का संभावना क्या है, तीनों का सम देखिए तो कितना आता है, ये 2/8+3/8, 5/8+2/9, 51/72, 1 नहीं हुआ, इसका मतलब अभी और घोड़ा होगा। अगर किसी भी हॉर्स रेस में 10 घोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है तो सबके इंडिविजुअल जीतने का कुछ कुछ संभावना होगा, जिसका सम 1 होना चाहिए। तो किसी हॉर्स रेस में हम तीन घोड़ा के बारे में आपको जानकारी दिए, ए के जीतने का संभावना, बी के जीतने का संभावना और सी के जीतने का संभावना। कुछ क्वेश्चन पूछे, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ऑफ देम विंस द रेस, इन्हीं तीन में से कोई एक जीतेगा, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस और बी विंस और सी विंस द रेस, यही पूछे, उसको ऐसे लिखते हैं, और ये इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अगर ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, जैसे हम लोग दो इवेंट के लिए बनाए हैं ना कि ए यूनियन बी में इवेंट्स होगा एन ए प्लस एन बी, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर तीन इवेंट हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ये मान लेना है कि कोई एक ही जीत सकता है, ये नहीं कि तीनों एक साथ जीत गया, वो केस नहीं है। यानी ए अगर जीत रहा है तो बी नहीं जीत सकता है, बी जीत रहा है तो ए और सी नहीं जीत सकता है,
सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी हम ऐसे इवेंट का बात कर रहे हैं जिसमें ए जीत जाए या बी जीत जाए या सी जीत जाए, वो सब आउटकम सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हमसे पूछा गया है ये प्रोबेबिलिटी और उसका जवाब हो गया पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी एंड दैट इज द आंसर। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ताश का पत्ती पे कभी सवाल आईटी में नहीं पूछता है, इसलिए क्योंकि ताश के पत्ती के बारे में सबको एक हो सकता है कि जानकारी नहीं हो एक ताश के पत्ती में कैसा कैसा कार्ड्स होता है। फिर भी हम एक डिस्कस कर लिए हैं, एक ताश के पत्ती में कार्ड ऐसा रहता है, एक नंबर लिखा होता है और कोई एक सिंबल बना होता है। देर आर फोर काइंड ऑफ सिंबल्स, एक को डायमंड बोलते हैं, एक इस तरह का सिंबल बना होता है, हार्ट्स बोलते हैं, और एक इस तरह का सिंबल बना होता है पान के पत्ता की तरह, काला रंग से रंगा होता है ब्लैक, ये रेड, ये भी रेड, इसको डायमंड बोलते हैं। डायमंड, हार्ट्स, स्पेड और एक क्लब्स बोलते हैं, ऐसा शेप होता है और ये भी ब्लैक पेंटेड होता है क्लब। 13 पत्ती ऐसा कुल 52 कार्ड्स होता है एक पैक। और इन सब पे एक से लेके 13 नहीं लिखा होता है, कैपिटल ए लिखा होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 11 के जगह एक फोटो बना होता है, चित्र, उसके ऊपर जे लिखा होता है, जे स्टैंड्स फॉर जैक, और फिर एक फोटो बना होता है उस पर लिखा होता है क्यू, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वीन, और एक और फोटो बना होता है उस पर क्वीन। तीन कार्ड ऐसा है जिस पर फोटो बना होता है, इंग्लिश में इसको हम लोग किंग क्वीन एंड जैक बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बादशाह बेगम और गुलाम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलता है एस, हिंदी में लोग इक्का बोलते हैं, और ये सब तो 2, 3, 4, 5, दीज आर नंबर्स। So there are 13 cards of diamond, 13 cards of hearts, 13 cards of spades and 13 cards of club. यहाँ पे दो लिखा होगा और इस तरह का चित्र बना होगा, इस कार्ड को कहेंगे club of two, इसको कहेंगे ace of diamond। अगर यहाँ पे क्यू लिखा है, क्यू लिखा नहीं होता है, चित्र बना होता है, लाल रंग से हार्ट्स का शेप हो तो इसको बोलेंगे क्वीन ऑफ हार्ट्स। अब कोशिश करते हैं इस सवाल को बनाने का। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हमारा एक्सपेरिमेंट यही है, दो निकाल लें, उसके बाद हम इवेंट डिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी पूछेंगे। पहले सैंपल स्पेस को लिख लीजिए, वो सब लिख तो नहीं पाएंगे हम, पर इतना जानते हैं कि सैंपल स्पेस में कुल इतना एलिमेंट्स होगा 52C2। 52 पत्ती में से दो पत्ती चुनने का कितना तरीका है, इट इज 52 × 51/2, 26 × 51, कुल इतना आउटकम्स है पॉसिबल। अब इवेंट देखें, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी। पहला, बोथ स्पेड और बोथ डायमंड। अच्छा, हम एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं बोथ स्पेड, ऐसे लिखते हैं बोथ स्पेड। एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं बोथ डायमंड। हमको पूछा है पार्ट ए में बोथ स्पेड और बोथ डायमंड, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आपको इस इवेंट का सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनती करना होता है बस, और अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो कि है, इसमें दोनों स्पेड, इसमें दोनों डायमंड, तो कोई भी आउटकम नहीं है जो कॉमन है दोनों में, तो ये पीई प्लस पीएफ आंसर होगा। अब हम लोग ये गिनती कर लें, इसमें कितना है दोनों स्पेड, तो कुल कितना स्पेड वाला पत्ती है, 13। तो 13 में से दो कितने तरीका से चुन सकते हैं, वही है 13C2। बोथ डायमंड, कितना पत्ती डायमंड वाला है, 13, उसमें से दो डायमंड कितने तरीका से चुना जा सकता है, 13C2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो गया 13C2 /
52C2, या 13C2 बटे 52C2 हो गया आंसर। बोथ स्पेड और बोथ डायमंड और बोथ एस, अच्छा एक और इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, बोथ एस, उस इवेंट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है काउंट कर लेते हैं, कुल कितना एस होता है 52 पत्ती में, 4, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ क्लब, तो 4 में से 2, 4C2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी पूछे हैं पार्ट बी में, विच इज इक्वल टू पीई प्लस पीएफ प्लस पीजी, लिख सकते हैं कि नहीं, ये देखना होगा कि ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तभी लिख पाएंगे, नहीं तो फिर कुछ कॉमन होगा तो काटना होगा उसको। अब जब इसमें 2 एस है तो एक अगर स्पेड होगा फिर दूसरा तो स्पेड नहीं हो सकता, यानी दोनों स्पेड वाला तो कोई इसमें नहीं होगा एलिमेंट, तो इस सेट और इस सेट में कोई कॉमन तो नहीं हो सकता। उसी तरह से इसमें 2 डायमंड तो कोई हो ही नहीं सकता है क्योंकि डायमंड का एक ही एस होगा, सो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीनों में से किसी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो यही हो गया 13C2 प्लस 13C2 प्लस 4C2 बटे 52C2। बोथ स्पेड और वन एस वन किंग, एक और इवेंट डिफाइन करते हैं H, वन एस वन किंग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स खाली गिनती करना है इन दिस इवेंट, 4 एस है और 4 किंग है, उसमें से कोई एक एस और एक किंग, 4C1 इंटू 4C1 विच इज 16, इस सेट में कुल 16 आउटकम्स है जो फेवरेबल है। अब इसमें देख लीजिए कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हमको निकालना है जो बोथ स्पेड यानी ई यूनियन एच निकालना है, तो पीई प्लस पीएच लिख दें कि माइनस पीई इंटरसेक्शन एच करना होगा। हाँ देखिए कुछ कॉमन हो सकता है, ये 13C2 बटे 52C2 प्लस 16 बटे 52C2 माइनस क्या 1 एस 1 किंग, दोनों स्पेड वाला केस को हम देख ले अगर कोई है कि नहीं, है ना, एस ऑफ स्पेड किंग ऑफ स्पेड, एक इसमें है जो उसमें भी है पैसिफिक, तो माइनस ई इंटरसेक्शन एच जो सेट है उसमें एस ऑफ स्पेड है, एस ऑफ किंग, बस एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है, तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 बटे 52C2, दैट इज द आंसर। एक सवाल यहां लिखे उसको देख लेते हैं, अ पेयर ऑफ डाई आर थ्रोन, तो पहले पेयर ऑफ डाई का सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 1 6 6 1 6 2 डॉट 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 6 6 सब लिख लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 36। अब सब इक्वली लाइकली है, प्रोबेबिलिटी निकालना है सम ऑफ द नंबर्स शुड नाइदर बी 7 नॉर बी 11, 7 नहीं होना चाहिए और 11 नहीं होना चाहिए, दोनों का सम। तो हम ऐसा करते हैं कि इस सेट में से हम पहले उस आउटकम को लिख लेते हैं जिसका सम 7 हो या 11 हो, सम इज 7 और 11 लिख लेते हैं, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल लें
हमसे पूछा है जो वो 1 माइनस पी नाइदर 7 नॉर 11, तो पी प्राइम ऐसे निकालेंगे। तो कौन कौन है इसमें आउटकम जिसका सम 7 होता हो या 11, तो बारी बारी से देख ले, पहले 7 वाला, तो सम 7 वाला केस लिख रहे हैं 1.6, 2.5, 3.4, 4.3, 5.2, 6.1, सम 7, सम 11 वाला केस लिख रहे हैं 5.6 और 6.5। ये देखिए 7 सम वाला सब आउटकम्स लिख लिए हैं और ये 11 सम वाला आउटकम सब लिख लिए। अब इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट एस व्हिच इज 8/36 एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज 1 - 8/36। सम 7 या 11 नहीं होना चाहिए, तो अगर सेट लिखे होते तो उसमें ज्यादा एलिमेंट लिखना पड़ता, इसीलिए उसको नहीं लिखे। ये कम है ये लिख लेते हैं, अब 1- उतना कर। एक पार्ट बी भी है इसका, एटलीस्ट 1 नंबर इज 6, दो नंबर है ना, एटलीस्ट 1 इज 6 का मतलब एक 6 एक कोई और वाला केस या दोनों 6, यही एटलीस्ट का मतलब रहता है। तो हम लोग उस सेट को पहले क्रिएट कर लें, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 या दोनों 6, तो दोनों 6 वाला केस को भी हम लिख ले रहे हैं। अब जिस इवेंट को हम यहां पे डिफाइन किए हैं, सारा आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट यहां लिख दिए हैं, गिनती कर लीजिए 1, 2, 3, 3, 6, 3, 9, 10 यहां तक है 1, 6 वाला आउटकम्स और एक है बोथ 6 वाला आउटकम्स 11, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इक्वल्स 11/36। दैट इज द आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए समाप्त।